नेक्स्ट इनिंग की पहला ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज बैगिने के बाद मेरा ही तो बैगिने भावेश कल दिक्कत नहीं चल रहा भावेश सच्चे होते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर पावर प्ले का बंधन जारी है दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर तैनात किए गए हैं एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में तो एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में इस तरीके की फील्डिंग रचना पहली गेंद आक्रामक स्ट्रोक अयूब ऑन फायर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन व्हाट अ हिट ब्यूटीफुल स्ट्रोक बाय अयूब शेख बैंडेड स्ट्रोक फुल पावरफुल वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल सिक्स स्मार्टी सिक्स के साथ अपना अकाउंट ओपन किया अयूब शेख ने पहली गेंद भावेश की पहली गेंद पर आक्रामक स्ट्रोक भावेश की पहली गेंद पर अयूब ने अपने जलवे यहां पर बिखेरे हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी इवी स्पोर्ट्स के नाम से इन्होंने स्पोर्ट्स शॉप ओपन की है और काफी अच्छे फॉर्म में भी हैं इस सीजन में अयूब फुल टॉस गेंद थी करारा प्रहार गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 4 रन दो गेंदों में 10 रन मुकम्मल कर लिए हैं यहाँ पर अयूब शेख ने यानी यहाँ पर दबाव जो बन रहा था वो दबाव को पूरी तरीके से यहाँ पर फेर बदल करने की कोशिश जारी है अयूब और उनका साथ देते हुए बल्लेबाज साहिल इस तरीके की जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती हुई और दोनों ही बैट्समैन की मैं प्रशंसा करूंगा अगर बात की जाए तो बिल्कुल दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छे फॉर्म में हैं जिस तरीके से नरेश की हम बात कर रहे थे नरेश इस सीजन में काफी अच्छे नरेंद्र काफी अच्छे फॉर्म में थे जिन्हें प्यार से नेपाली कहा जाता है लेकिन काफी अच्छा फॉर्म है उनका इस सीजन में देखने मिला है और उसी तरीके से अयूब की अगर बात करें तो प्रोफेशनल क्रिकेट खेल खेल कर काफी बेहतरीन फॉर्म में नजर आते हुए अयूब इस बार बड़ा हिट करना चाह रहे थे गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई कारपेट के सारे खेला गया स्ट्रोक एक रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया और मौका दिया इस वक्त साहिल को स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर बोर्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 11 रन पहला ओवर प्रगति पथ पर है भावेश की पहली गेंद का सामना करेंगे साहिल साहिल की अगर बात करें तो काफी रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका ये खिलाड़ी 6 गेंदों में 6 सिक्स हो 6 गेंदों में 6 चौके हो या फिर 5 गेंदों में 5 चौके हो इस तरीके के रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला ये खिलाड़ी इस वक्त इस ग्राउंड पर इस टूर्नामेंट पे इस सरजमी पर इनका परफॉर्मेंस किस तरीके का होगा ये देखने वाली बात जरूरी इसी बीच ये गेंद पहली गेंद पर ही आक्रामक स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे जिस तरीके से खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है उसी तरीके से यहाँ अयूब को देखकर बड़े हिट के साथ आगाज करने का प्रयास किया लेकिन बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात नहीं गेंद डॉट के रूप में बिल्कुल अंजुरदीवा में हाल ही में मैच था नरेश ने वहां पर नरेंद्र ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया दो मैच में 79 मुकम्मल किए थे इस बार बड़ा हिट खेल दिया है गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में आउटफील्ड थोड़ी सी वहां पर स्लो है इस कारण 2 रन जरूर मिलते हुए 2 रन से ज्यादा कुछ नहीं इस 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 13 रन बिल्कुल आने वाले वक्त में जनवरी में सबसे बड़ा धमाका आपको इस सरजमी पर इस ग्राउंड पर गांव के ग्राउंड पर जरूर देखने मिलेगा कॉलेज ज्ञान गंगा कॉलेज के पास रणजीत ट्रॉफी यानी थाना का वर्ल्ड कप जिसे कहा जाता है 8 तारीख से लेकर 13 तारीख तक आपको वहां पर एक क्रिकेट की बहुत बड़ी मेजबानी देखने मिलेगी इस बार मिस टाइमिंग सो गेंद हवा में दो खिलाड़ी गेंद के नीचे एक दूसरे को कॉल देकर शांतिपूर्वक किस कैच को लिया विकेट का पता हुआ साहिल की इनिंग की समाप्ति साहिल अपने आप से नाखुश नाराज होकर पवेलियन की राह लौटते हुए बिल्कुल जनवरी के महीने में काफी बड़े बड़े टूर्नामेंट से डीआर चषक को जिस तरीके से बात किया जाए एमसीसी 26 जनवरी को एमसीसी ट्रॉफी इस ग्राउंड पर रखी जाएगी उसी तरीके से 24 तारीख से लेकर 27 तारीख तक के वो टूर्नामेंट रहती है और इस सीजन में कुछ नया करने का प्रयास किया जाएगा एमसीसी की ओर से चांदी की ट्रॉफी के आसपास कलर होगा ट्रॉफी का ये हम चांदी की ट्रॉफी यस हमारे जो खजांची हैं बबी
फाइनेंस मिनिस्टर, उनके अनुमान है कि इस वक्त एमसीसी की ओर से चांदी की ट्रॉफी रखी जाएगी। 24 से 27 तारीख का दिन मुकम्मल किया गया है एमसीसी ट्रॉफी के लिए। उसी तरीके से नरेश स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट 30 तारीख से लेकर 3 तारीख तक के बीच में रखा जाएगा। नाइट टूर्नामेंट होगा, वो भी फॉर्म आ चुका है। तो दोस्तों सीजन शुरू हो चुका है और सीजन की शुरुआत में ही हम देख रहे हैं सबसे पहली ट्रॉफी यानी बर्थडे ट्रॉफी, सुशांत मुकादम बर्थडे ट्रॉफी 2018 क्रिकेट की एक बेहतरीन मेजबानी। गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है परफेक्ट ऑलराउंडर, लंबे चौड़े कद के हैं, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे चेतेश, लेकिन बल्लेबाजी में कुछ जौहर नहीं दिखा पाए थे। इस वक्त मौका है अच्छी बल्लेबाजी के बावजूद अच्छी गेंदबाजी करने का। सामना करने के लिए तैयार सतीश पाटिल, चतुराई भरा स्ट्रोक, उन्हें पता है नॉन स्ट्राइक हैंड पर अय्यूब मौजूद है। अय्यूब अगर ज्यादा से ज्यादा गेंदे खेलते हैं तो ये जो आंकड़ा है वो आसानी के साथ छू सकते हैं, इसलिए चतुराई दिखाई। कांधों के ऊपर जो सर होता है उसका सही तरीके से वापर किया, एक रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया और अय्यूब को अगर सतीश पाटिल दो गेंदों की तरफ से 500 रुपए की रोक इनामी राशि। पूरी इनिंग में भी अगर 2 सिक्स लगाते हैं तो 500 रुपए की इनामी राशि फिक्स। सतीश पाटिल SP इनके लिए रखी गई है। सामना करने के लिए तैयार इस वक्त अय्यूब मिस टाइमिंग से गेंद हवा में, मौका अच्छा है और यहाँ पर खूबसूरत कैच, अय्यूब की इनिंग की समाप्ति। ये बड़ा झटका, अब इस वक्त काफी टेंशन में यहाँ पर नजर आती है रंजीत स्पोर्ट्स की टीम। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर 14 रन, जीत के लिए लक्ष्य 46 रनों का उसका पीछा करती हुई ये टीम। चेतन है, मैं बल्लेबाज अय्यूब की जगह आ रहे हैं, चेतन को भेजा जा रहा है। मरणार नाही तू फोटो कोण चे तुम्ही चेतेश, सबसे बड़ी मछली अपने जाल में फंसाई है, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि अय्यूब जैसे बल्लेबाज अगर विकेटों पर खड़े रहते हैं तो गेंदबाज काफी टेंशन में गेंदबाजी करते हैं, लेकिन अय्यूब जैसे खिलाड़ी को आउट करना उनकी टीम का 50% मनोबल डाउन करने जैसा होगा। मंगेश भोयर साहब की तरफ से भी 500 रुपए की इनामी राशि आती हुई। SP की तरफ से SP के लिए, SP आपको मिल सकते हैं अगर आपने दो गेंदों में 2 सिक्स लगाए तो। इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई लेकिन एक रन डॉल कर जरूर पूरा किया। उन्हें पता है रनों की जरूरत है, हर गेंद पर रन लेंगे तो जब जाकर मैच थोड़ा सा क्लोज होगा, तो बिल्कुल उसी तरीके का दृश्य यहाँ पर देखने मिला। चेतन जो नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं, परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं रंजीत स्पोर्ट्स की टीम में, लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो रनों की ज्यादा जरूरत है नजर आती हुई। 15 गेंदों में 31 रन की जरूरत, 15 गेंदे 31 रन टू विन अगर इस मैच को जीतना है रंजीत स्पोर्ट्स की टीम को। हर गेंद पर डबल रन करने होंगे, बड़े हिट लगाने होंगे जब जाकर ये लक्ष्य पार किया जा सकता है, और इस लक्ष्य को पार करने के लिए सबसे पहले विकेट पर टिकना होगा। इस बीच ये गेंद आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, आना के इशारे और ये सतीश पाटिल, सुसाइड, आत्महत्या, सुसाइड करते हुए। बिल्कुल रन की जरूरत नहीं थी, बेफिजूल में रन दौड़ने की कोशिश की, अपना विकेट गवाया और एक बड़े बल्लेबाज को आउट करने में कामयाब रहे कीपर। विकेट का बदम हुआ, रंजीत स्पोर्ट्स की टीम को लगता हुआ एक और झटका। नए बल्लेबाज लखन 1-2 का 4, ये कुछ कर सकते हैं, इनसे आशा और उम्मीद है। लखन एक परफेक्ट ऑलराउंडर, रंजीत स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो इनके पास ऑलराउंडर की भरमार है,
चेतन जैसे परफेक्ट ऑलराउंडर, अयूब जैसे ऑलराउंडर, उसी तरीके से लखन जैसे ऑलराउंडर खिलाड़ी इनके पास मौजूद हैं, मनोज जैसे बल्लेबाज भी हैं ऑलराउंडर की भूमिका में, काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी इनके पास मौजूद हैं, लेकिन लक फैक्टर आज इनका साथ नहीं देता हुआ। क्योंकि इस सीजन की अगर बात करें तो इस सीजन में रंजीत स्पोर्ट्स ने थाना में अपने नाम की छाप छोड़ी, काफी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में अव्वल दर्जे पर आने वाली ये टीम रही। बिल्कुल जिस तरीके से बात करें रंजीत ट्रॉफी 2018 की अगर हम बात करते हैं, पहली इनामी राशि उन्होंने ली, उसके बाद मुंबरा में लगभग बेहतरीन टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़कर उत्तर भारतीय संघ में अपने नाम की छाप छोड़कर वहां पर ट्रॉफी जीती, यानी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में ये टीम ने अपना दावा जरूर जमाया था और इस वक्त दुविधा में नजर आती हुई रंजीत स्पोर्ट्स की टीम। अब इस दुविधा से, इस तकलीफ से कौन निकालेगा, क्योंकि चितेश ने यहाँ पर बखूबी अपने काम को सही अंजाम तक के पहुंचा दिया है, दो बड़ी विकेट अपने नाम की है और दोनों बड़ी विकेट लाजवाब रही। इस बार ये गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, मैजिक गेंद की थी, बल्लेबाज सफल हो गए थे, गेंद को समझ नहीं पाए, अंतिम और आखिरी वक्त पर गेंद को छोड़ते हुए नजर आए लखन, गेंद डॉट के रूप में। इस वक्त में गेंदे डॉट करना टीम के लिए भी हानिकारक होगा और बल्लेबाज के लिए भी बिल्कुल हानिकारक होगा, क्योंकि रनों की रन संख्या काफी ज्यादा है और इस वक्त अगर आप गेंदे डॉट करेंगे तो आपकी टीम बैकफुट पर आ जाएगी, आप पर दबाव होगा, आप पे प्रेशर होगा, इसलिए बल्ले का फेस खोलना होगा और रनों की रन संख्या का मुकाबला करना होगा। क्या होता है क्या नहीं जरूर देखेंगे। अगली गेंद लेकर फिर से सज्जे होते हुए गेंदबाज चितेश, अंतिम और आखिरी गेंद लेकर सज्जे होते हुए, फुल टॉस गेंद थी, पुल करने का प्रयास, मिस टाइमिंग, सो गेंद हवा में और खिलाड़ी गेंद के नीचे, चितेश की प्रशंसा मैं जरूर करूंगा, क्या बात है। इस ओवर में तीन दिग्गज खिलाड़ियों को पवेलियन की राह लौटाने में कामयाब रहे और खर्च किए हैं सिर्फ और सिर्फ दो रन, लाजवाब ओवर, तीन विकेट, अयूब जैसे खिलाड़ी आउट, सतीश पाटिल जैसे खिलाड़ी आउट, उसी उसके बाद लखन जैसे खिलाड़ी को आउट किया, ये तीन विकेट यानी ये त्रिमूर्ति को पूरी तरीके से नस्तो नाबूद करने में चितेश सक्षम रहे, कामयाब रहे। अब 12 गेंदे शेष, जीत के लिए 31 रनों की जरूरत, इस वक्त 31 रन बनाने जरूरी। जितेश, न्यू बैट्समैन जितेश, इसे मौका दिया गया है, अच्छे फॉर्म में है जितेश, अभी भी इनकी टीम के पास अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप है, अभी भी मौका है, अगर बड़े हिट लगाते हैं तो इस लक्ष्य को पार करने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन मैं तारीफ करूंगा गेंदबाजी की, क्या लाजवाब गेंदबाजी, पहला ओवर भावेश ने किया, 13 रन खर्च किए, लेकिन खुद कप्तान चितेश इन्होंने आकर गेंदबाजी का जिम्मा संभाला, दो विकेट अपने नाम किए, बिल्कुल तीन विकेट अपने नाम किए, जिसमें दो विकेट अपने नाम किए, एक विकेट रनआउट के रूप में मिला, रनआउट के रूप में एसपी ने अपना विकेट जाया किया, मैं तो यही कहूंगा अगर वो विकेट पे खड़े रहते तो एक आशा और उम्मीद होती, रन दौड़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी रिक्स भरा रन लेने गए और अपना विकेट गवा कर पवेलियन के लौट चुके हैं। गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है प्रणय ने, प्रणय फुल टॉस गेंद थी, पुल किया, पावरफुल किया, वंडरफुल किया, ब्यूटीफुल किया, छह रन, व्हाट अ स्ट्रोक, क्या बात है। जिस तरीके से इस छह रन की बात करें तो लाजवाब सिक्सर, मैच में वापसी दिलाने के संकेत अब आते हुए, इस छह रन ने मैच में वापसी का प्रवेश द्वार खोल दिया। 11 गेंदे 25 रन, 11 गेंदों में 25 रन की जरूरत, मैच आहिस्ते आहिस्ते रंग बदलता हुआ, क्या होगा क्या नहीं ये देखने वाली बात जरूरी। पहली गेंद पर टूट पड़े, आते ही साथ सिक्स के साथ खाता खोला जितेश ने। इस बीच अगली गेंद, जितेश सामना करने के लिए तैयार, एक और बार बड़ा हिट करने का प्रयास और ये बेहतरीन कैच, क्या बात है, लाजवाब कैच, खुद का बैलेंस आउट होने के बाद भी इस कैच
को लपका और जितेश जैसे खिलाड़ी को आउट किया, जिनका बल्ला काफी तंगड़ा कर बोल रहा था उनके बल्ले को शांत करने में कामयाब रहे। न्यू बैट्समैन सिद्दीक को भेजा गया है जितेश की जगह। अब देखना यह होगा कि सिद्दीक किस तरीके का परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि अब तक के विकेटों के बीच में चेतन खड़े हुए हैं। चेतन की अगर बात करें तो ना तो उन्होंने बेहतरीन ओवर की है अब तक के, ना उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी देखने मिली है, और इनकी टीम को इनसे आशा और उम्मीद बहुत है। तो देखते हैं ये आशा और उम्मीद पर खड़े उतरते हैं, क्या जीत की रोशनी अपनी टीम की तरफ डालेंगे या फिर यहाँ पर कुछ और दृश्य देखने मिलेगा। सती आई मुगरपाड़ा की टीम बहुत ही बेहतरीन स्थिति में इस वक्त नजर आती हुई, 10 गेंदों में 25 रन की जरूरत, सामना करने के लिए तैयार। चेतन फिर से एक बार गेंदबाज सज्जे होते हुए, प्रणय 2 गेंदों में 1 6 खाने के बाद विकेट लेते हुए, इसी बीच ये गेंद, इस बार बिग 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 हिट करने का प्रयास, कामयाबी कदम चूमती हुई 6 रन, व्हाट अ हिट, डांसिंग डाउन द स्ट्रोक किया, गेंद पर मोहर लगी और गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन। इस 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 27 रनों पर, अब 9 गेंदे शेष और जीत के लिए 19 रनों की जरूरत, 9 गेंदे 19 रन, करो या मरो की स्थिति, टू आर डाई की स्थिति। अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त देखने मिल रही है। इस बीच अगली गेंद, फुल टॉस गेंद थी, डेंजर डिलीवरी, बीमर डिलीवरी, अंपायर का इशारा नो बॉल के रूप में परिवर्तित होता हुआ सोने पे सुहागा, नो बॉल पे इस वक्त फ्री हिट जरूर मिलती हुई। फ्री हिट का कितना फायदा उठाएंगे ये देखने वाली बात जरूरी होगी, क्योंकि इस वक्त अब प्रणय की बात करें तो बड़े हिट खाने के बाद थोड़े से डरे से नजर आ रहे हैं, क्योंकि यंगस्टर हैं, बड़ी मैचेस काफी कम खेलते हैं और बड़ी मैचेस में अक्सर प्रेशर को मेंटेन करना होता है। अगर आप दबाव प्रेशर को मेंटेन कर लोगे तब जाकर आप एक अच्छे क्रिकेटर कहला पाओगे। अगली गेंद लेकर तैयार प्रणय, फिर से एक बार चेतन सामना करने के लिए तैयार। चेतन बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, जोरदार अपील की गई, लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगा यहाँ पर लेग बिफोर आउट नहीं दिया जा सकता क्योंकि फ्री हिट गेंद जा रही है। गेंद डॉट के रूप में रही और इस डॉट के साथ साथ मैच का रिजल्ट उल्टा देखते हैं किस तरीके से आता हुआ। गेंदें बची हुई है 8 और जीत के लिए 18 रनों की जरूरत, गेंद और रनों के बीच का फासला 10 का नजर आता हुआ। 2 बड़े हिट मैच की दशा और दिशा बदल सकते हैं, एक आधा विकेट और मिलता है तो मैच में वापसी कर सकती है सती आई मुगरपाड़ा की टीम। इस बीच ये गेंद, शॉर्ट पिच गेंद थी, पहले ही बल्ले का फेस खोल दिया, गेंद डॉट के रूप में, 7 गेंदें 18 रन। अगर ये गेंद को पढ़ लेते तो काफी लंबा हिट लगा सकते थे, लेकिन बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात नहीं। 7 गेंदें 18 रन कमी के द्वारा, 7 गेंदों में 18 रन की जरूरत। सात गेंदे 18 रन, क्या होगा अनुमान लगा सकते हैं आप? इस बार ये गेंद लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, मैच में रोमांच अभी भी जारी है, हर गेंद पर कुछ ना कुछ फेरबदल जरूर देखने मिल रही है, कभी गेंदें डॉट हो रही है, कभी हिट आ रहा है, कभी एक्स्ट्रा आ रहा है, कभी विकेट जा रहा है, रोमांच अभी भी जारी है। 7 गेंदें 17 रन, 7 गेंदों में 17 रन की जरूरत। गौड़।
अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार प्रणय इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास, एक रन जरूर पूरा किया है। चेतन स्ट्राइक अपने हाथ में रखना चाहते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस है कि वो 6 गेंदों में 16 रन बना लेंगे, 6 गेंदें 16 रन। नेक्स्ट मैच यहां पर खेला जाएगा, त्रिमूर्ति नागले वर्सेस गुड बॉय केवनी देवा। त्रिमूर्ति ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, तो मैच की समाप्ति के बाद ग्राउंड का ताबा आपको ले लेना है और समय दिया जाएगा 20 मिनट। पहला ओवर पावर प्ले का होगा, पहले ओवर में 2 खिलाड़ी आप सर्कल के बाहर तैनात करेंगे। स्लो था, देख के चला दे चला पने चला दे अंतिम और आखिरी ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज नरेंद्र। नरेंद्र हमारे मुख्य अतिथि विलास ठाकुर जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। बड्डे ट्रॉफी 2018 सुशांत मुकादम साहब के जन्मदिन पर रखी गई है। इस बार बड़ा हिट, दिस इज अ बिग ब्लो, गेंद जाती हुई डीप मिडल बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए फरार। क्या मैच है, जिस तरीके से क्रिकेट रंग बदलता है उस तरीके से ये मैच रंग बदलता हुआ। 5 गेंदें 10 रन, दिलों की धड़कने आहिस्ते आहिस्ते तेज करने वाला ये मुकाबला, स्लो पॉइजन का काम करने वाला ये मुकाबला, ये जरूर कहा जाएगा। कभी इस तरफ मैच झुकता है तो कभी उस तरफ, इसे कहते हैं क्रिकेट। बिल्कुल, अब बड़ा टेंशन कहलाया जाएगा, काफी टेंशन भरा मुकाबला है। क्या होगा, नरेश की पहली गेंद, नरेंद्र की पहली गेंद पर ये 6 आने के बाद मैच का दृश्य थोड़ा सा चेंज हो गया। 5 गेंदें 10 रन, चेतन अच्छे फॉर्म में है, चेतन ने अच्छी वापसी कराई है और जिस तरीके से उन्होंने भरोसा जताया था कि अंतिम और आखिरी ओवर मैं ही खेलूंगा, उस अनुसार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार नरेंद्र अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामना करने के लिए तैयार चेतन, एक बड़ा हिट लगा चुके हैं। इस बीच ये गेंद, इस बार हेलीकॉप्टर शो करने का प्रयास, एक रन तेजी के साथ पूरा किया है, दूसरा लेना चाहते हैं, नजदीकी मामला हो सकता है और लगभग यहां पर रनआउट के रूप में विकेट का बदाम होता हुआ। बिल्कुल, यहां पर जो विकेट गिरा है सिद्दीक का, ये विकेट फेंका गया है क्योंकि उन्हें पता है चेतन अच्छे खासे फॉर्म में है, इनकी कैपेसिटी है, ये कैपेबल है, ये कैलिबर प्लेयर है, इनकी रेंज में अगर गेंद आती है तो ये रन जरूर बनाएंगे। 4 गेंदे और जीत के लिए 9 रनों की जरूरत, 4 गेंदे 9 रन, मैच अभी भी दोनों ही टीमों के पक्ष में नजर आता हुआ। विकी, न्यू बैट्समैन विकी को भेजा गया है, यंगस्टर को इस मैच में रंजीत स्पोर्ट्स की टीम ने काफी मौका दिया है, यंगस्टर्स को उभरते सितारे देख सकते हैं हम, सिद्दीक हो विकी हो, ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया है। सुशांत भाई की जो टूर्नामेंट है, काफी यंगस्टर यहां पर आज के दिन परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए, शुरुआत में ही हमने देखा MCCB में जो उभरते सितारे थे, अमित जो उभरते सितारे थे यंगस्टर के रूप में, बिल्कुल है नजर आए। इस बार ये गेंद, यहाँ पर नरेश जरूर थोड़े से गिरे हैं, 2 रनों के लिए दौड़ लगी है और यहाँ पर देखिए लगान पिक्चर में इस तरीके का दृश्य देखने मिला था काफी समय के बाद, इस वक्त ग्राउंड में ये दृश्य देखने मिला है। एक गेंद के पीछे 5-5 खिलाड़ी दौड़ते हुए नजर आए लेकिन एक दूसरे को कॉल देना जरूरी नहीं समझा। 3 गेंदे
और 7 रन की जरूरत, 3 गेंदों में 7 रन कंपलसरी चेजिंग है, ये चीज ध्यान में रखें, 3 गेंदों में 7 रन बनाने आपको जरूरी होंगे। भाविश बोलते बोलते एक बड़ा हिट और मैच का रुख चेंज, एक गेंद अगर डॉट हुई तो फिर दबाओ प्रेशर। नरेन फिर से एक बार सज्जे होते हुए, चेतन सामना करने के लिए तैयार, अगली गेंद लेकर तैयार नरेंद्र अपने बॉलिंग मार्क पर, कदमों का इस्तेमाल किया, करारा प्रहार और एक रन जरूर पूरा किया, दूसरा लेना चाहते हैं, कामयाबी जरूर मिलती हुई, दो गेंदे 5 रन, दो गेंदे 5 रन, क्या होगा टेबल के नीचे से या टेबल के ऊपर से बिटिंग लगा सकते हैं, पकड़े गए तो 3 महीने के लिए अंदर, क्या होगा, बिल्कुल टेंशन से भरा मुकाबला, काफी डेंजर मुकाबला, अगर गेंद डॉट हो गई तो सबसे बड़ा टेंशन, अगर बड़ा हिट लग गया तो ऑपोजिट टीम के लिए सबसे बड़ा टेंशन, दो गेंदे 5 रन कंपलसरी चेजिंग, दो गेंदे 5 रन करो या मरो की स्थिति, दो आर डाई की स्थिति, दो गेंदे 5 रन चेतन, दो गेंदे 5 रन, काफी बेहतरीन दिलचस्प मुकाबला इस वक्त नजर आता हुआ, बेहतरीन, इसे कहते हैं मैच, पैसा वसूल मैच, इसी बीच ये गेंद, हेलो अब टेंशन, अब टेंशन, अब बची हुई गेंद है सिर्फ मात्र एक गेंद, एक गेंद बाकी है और एक गेंद पर जीत के लिए 5 रनों की जरूरत, एक बॉल 5 रन, विकी अगर टीम इस सिचुएशन पर लॉस होती है तो सबसे बड़ा हार कैसे आ जाएगा विकी के सर, क्योंकि इस वक्त में मंकी विकेट देना वो भी गेंद डॉट होने जैसा होता है, अब एक बॉल में 5 रन की जरूरत, एक बॉल 5 रन, मैच काफी बेहतरीन मोड़ पर, एक बॉल 5 रन, अंपायर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अंपायर विकेट के ऊपर शैडो ना आने दे, अंपायर सुशांत मुकादम जो क्लोज फील्डिंग कर रहे हैं उनका शैडो विकेट के ऊपर ना आने दे प्लीज, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो पीछे बैठे हुए दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज दीवार पे चढ़ जाएं, मैच काफी कुशल मूवमेंट पे है, भाग के तो नहीं 4 रन ही मिलेंगे, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सहयोग करें, शेंडोबा स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा पीछे हो जाएं, एक बॉल 5 रन, एक बार जोरदार गालियां इस मैच के लिए, जो भी टीम जीतेगी वो जश्न तो जरूर मनाएगी, लेकिन एक बॉल 5 रन, इस बार ये क्या बात है, ये था मैच, हार्ड लक रंजीत स्पोर्ट्स, हार्ड लक, वेल प्लेड।